भगवते वासुदेवाय सुदेवाय। अरे ये बच्ची किसकी है और ये क्यों रो क्यों रही है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? राधे राधे, लगता है इस मंदिर के परिसर में कोई छोड़कर चला गया है इस बच्ची को। न जाने कैसे माँ बाप हैं, अब सबको खबर करनी होगी। क्या बच्ची? बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची है, पता नहीं इसके माँ बाप कौन होंगे। मुझे सब पता है। कितनी प्यारी बच्ची है। कितनी प्यारी बच्ची है। कमाल ही होगी साधना पापी जी। ओ, आपको तो सब पता होता है ना, तो आप ही कुछ बताइए। ओ गोपाल, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस में जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे पुलिस क्यों, कोई चोरी डकैती थोड़ी हुई है। नहीं 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 शर्मा जी, कोई पुलिस पुलिस नहीं जाना। ना ना ना, ना बिल्कुल नहीं। अरे साधना, हमें नहीं पता किसकी बच्ची है, हो सकता खो गई हो सकता है कोई उठा कर ले आया हो। डाच सही कह रहे मॉम, हमें पुलिस कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस पुलिस नहीं जाना, कहा ना मैंने नहीं जाना, ये बच्ची हमारे पास रहेगी। क्यों एकदम आप पर गई चारों तरफ देख के? हाँ वो तो चुप कर मुरली, कुछ भी बोलता रहता जो मन में आता है। चलिए चड्डा साहब, पुलिस में जाके FIR करवा देते हैं। शर्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक गल है, अगर जो इस बच्ची के माँ बाप का पता ना चला तो? अरे तो किसी अडॉप्शन सेंटर में दे देंगे। शर्मा जी मुझ पर एक एहसान करना, दोबारा ऐसी बात मत करना। ये बच्ची किसी भी अडॉप्शन लेफ्ट राइट सेंटर में नहीं जाएगी, ये हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। हाँ सब ये हमारे साथ में यही रहेगी। हाँ जब भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है तो फिर अडॉप्ट ही करना है तो हम अडॉप्ट कर लेते ना। अरे साधना तुम होश में तो हो, हमारे ऑलरेडी दो दो बच्चे हैं भाई। नहीं नहीं तुम रहने दो, और वैसे भी सबसे पहले हमें पुलिस को जाके बताना पड़ेगा। नहीं अरे शर्मा जी, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दो। भगवान जी, भगवान क्या हो रहा है? शर्मा जी मैं तो अभी भी कहती हूँ हम की वापस चलते हैं, लिसन टू मी कीजिए ना। नहीं 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 साधना, हम जो करने आए वो करके जाएंगे। ड्राइवर जल्दी से बोलो, फटाफट मेरी जीप निकाले। इंस्पेक्टर साहब मैं गोपाल शर्मा। देखिए अगर आज आप वर्मा जी भी होते ना तो भी कुछ नहीं मदद कर पाता मैं आपकी। इंस्पेक्टर साहब एक FIR लिखवानी है। वो सब कुछ नहीं हो सकता, आज मंत्री जी की रैली है, सारा स्टाफ उनके बंदोबस्त में लगा हुआ है। हाँ बस बस इंस्पेक्टर साहब एक छोटी सी FIR लिख दीजिए बस, वो सब बाद में देखेंगे। अरे सुनिए तो सही इंस्पेक्टर साहब। शर्मा जी बात सुनिए ना आप, इधर आइए आओ बेटा। देखो साधना ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ। शर्मा जी मुझे सब पता है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस बच्ची को हम पुलिस के सुपुर्द कर दें, और अगर नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। अरे शर्मा जी हम आए तो है ना पुलिस स्टेशन, अब अगर भगवान ही नहीं चाहता कि हम यहाँ पे कोई रिपोर्ट लिखाएं, बच्ची को पुलिस वालों के पास छोड़े, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे? और फिर देखिए ना बेचारी की शक्ल कितनी मासूम सी बेचारी सी लग रही है, इसे इस वक्त तो हमारी केयर की जरूरत है, केयर की। हाँ साधना लेकिन शर्मा जी देखिए अभी दो चार दिन के लिए इसे हम इसे घर ले जाते हैं, जब इसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी ना तब सोचेंगे क्या करना है इसके साथ। प्लीज मान जाइए ना, मान जाइए ना, नो नॉट टू बी सेइंग नो। आ गोपाल ये साधना की ममता है जो उसके मत से बोल रही है। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन दो चार दिन की तो बात है गोपाल, क्या पता जैसे मेरे जन्मदाता कोई और थे, लेकिन मुझे पाला मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया ने। वैसे ही इस बच्ची को भी तो नंद बाबा और यशोदा मैया मिल जाए तो गोपाल एक बार तो देखो इस बच्ची को। ठीक है ले चलो इसे घर। चल चलो 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 आओ चलो चल आ जाओ। जय भगवान, इतनी देर हो गई, साधना और दामा जी ने अभी तक आए ना, उन्होंने फोन किया। एक काम करते माँ जी, हम लोग ही मैम साहब को फोन कर लेते, चाहो तब देख के। क्या करे अरे आगे, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मॉम आप इसे ले आए। अरे कितनी प्यारी बच्ची, दामा जी आपने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आए। इनको क्रेडिट, नो नॉट हैपनिंग, मैं लेके आई हूँ। लेकिन साधना तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था तुमसे, ये बच्ची हमारे घर में सिर्फ 2 या 4 दिन रहेगी, समझ गई ना? मुझे सब पता। डैड सिर्फ 2 या 4 दिन? देखो रविकांत, डैड रैफ, हाँ हाँ जो भी है, तुम बस ये समझ लो कि ये जो नन्ही परी है ये हमारे घर में मेहमान है, समझ गए?
कितनी प्यारी बच्ची है। एकदम मैम साहब पे गई है। तो फिर शुरू हो गया, तेरे को मना किया था ना नहीं बोलने के लिए ये वाली बात। चल जा बच्चे के लिए दूध गर्म कर। हाँ। क्या लेके जल्दी से लेके आ, इसके लिए दूध ढूंढी ढूंढी। शर्मा जी इसके लिए थोड़े कपड़े वगैरह खरीदने। शर्मा जी भाई शर्मा जी किधर है? हाँ साहब चड्डा साहब आए हैं। आ रहे। ओहो चड्डा साहब नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते शर्मा जी। ओ पापी जी ओ बच्चे किधर है? वो जी माँ के साथ है। और तस्कब लाओ? और मैं उसके लिए कंबल खिलौने बिस्किट लेके आया हूँ। अरे चड्डा साहब इस सब की नो नीड हैपनिंग थी। ओ गाली कोई नहीं साधना पापी, ये सब ना डॉली ने भिजवाया है। वो तो खुद आना चाहती थी हैं जी, लेकिन पिछले एक घंटे से ना मेकअप में लगी हुई थी। अब मैं ना उसे मेकअप करता हुआ छोड़कर खुद आ गया तो उड़ गए। बहुत अच्छा किया चड्डा साहब बहुत अच्छा किया। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि औरतें मेकअप करती क्यों हैं, करने के बाद दिखती तो वैसी हैं जैसे पहले थी। शर्मा जी कहना क्या चाहते हैं आप? सब पता है मुझे। नहीं नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि सुंदर तो सुंदर होता है साधना, उसमें मेकअप करने की क्या जरूरत है। अरे हेलो। हाँ हाँ अच्छा शर्मा जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो आप बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन गए लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखवाई है जी। और गोपाल जी तो वही वाली बात हो गई कि रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन नहीं पकड़ी तोते उड़ गए। अरे चड्डा साहब मैं क्या बताऊं आपको, मैं गया था पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लेकिन वो साधना। भैया गली कोई नहीं, और मैं समझता हूं कि आप पति हैं है जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कहीं ये चक्कर आपके तोते ना उड़ा दे। मतलब ये गोपाल जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्ची को किसी ने किडनैप किया हो और पुलिस उनके पीछे हो और उसके डर से ये बच्ची को छोड़कर भाग गए। शर्मा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैटर कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना। बात तो आपकी सही है, सीरियस हो सकता है। एक गल हो रहा है, जे पुलिस को ये बात पता चल गई ना कि आपने अपने घर में एक बच्ची को रखी हुई है जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो शर्मा जी आपके तोते उड़ सकते हैं। चड्डा साहब मैं ऐसा करूंगा, मैं बस बच्ची को दो चार दिन अपने घर में रखूंगा फिर खुद जाके किसी एडॉप्शन सेंटर में छोड़ आऊंगा। पर चड्डा साहब आप जरा ध्यान रखिए, किसी से कहिएगा नहीं कि बच्ची को मैंने अपने घर में रखा है। और हाँ वो भाभी जी से भी बोल दीजिएगा कि किसी को बताए नहीं, खास तौर पे वो अपने सक्सेना साहब, उनको तो बिल्कुल नहीं। ओ शर्मा जी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और रही बात सक्सेना की, तो वो तो चंडीगढ़ गया हुआ है अपनी फैमिली को लेके किसी की शादी में। चंडीगढ़ गया। ये बहुत अच्छा। बाल गोपाल कहाँ हो तुम? क्या हुआ पार, किसी चिंता में हो? चिंता में तो मैं हूं बाल गोपाल, इस बच्चे को देखो कितनी प्यारी है, पर इसको ये नहीं पता कि इसके माता पिता कौन है, कहाँ है। गोपाल सिर्फ जन्म देने वाले ही माता पिता नहीं होते, बल्कि बच्चों का लालन पालन करने वाले भी
माता पिता होते हैं। आज तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आ रही है। किसके बाल गोपाल? मेरे नंद बाबा की याद। वो भी ऐसे ही मुझे अपने पास सुलाया करते थे। रात को मैं जरा सी भी करवट कर लूं तो वो जाग जाते थे, मेरा खूब दुलार करते थे, जैसे तुम इस बच्ची का कर रहे हो। मन की बात कहूं बाल गोपाल, तो सच तो यह है कि मैं भी नहीं चाहता कि ये बच्ची हमसे दूर जाए। दिल तो यही कहता है कि इस बच्ची को मैं वैसे ही अपना लूं जैसे तुम्हारे नंद बाबा ने तुम्हें अपना लिया था। तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है गोपाल, लेकिन दोनों बातों में फर्क है। मेरे नंद बाबा ने मुझे अपनाया था क्योंकि उन्हें ये पता था कि मेरे असली माता पिता कौन है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता इस बच्चे के असली माता पिता कौन है। लेकिन बाल गोपाल, इस बच्चे के माता पिता का तो कुछ पता ही नहीं है। तो पता लगाओ गोपाल, एक बच्चे के असली माता पिता तक उसे पहुंचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि वो इस बच्चे का अधिकार है और उसे उसका अधिकार तुम दिलाओ। बात इतने बड़े शहर में मैं इसके माता पिता को कहाँ ढूंढूंगा बाल गोपाल? और फिर ये भी तो हो सकता है कि इस बच्चे को कोई दूसरे शहर से लेकर आया हो और यहाँ छोड़ दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे पार्थ हो। तुम कदम बढ़ाओ तो सही पथ भी मिल जाएगा। ठीक है बाल गोपाल, मैं इस बच्चे को इसका अधिकार दिलवाऊंगा, इसके माता पिता को जरूर ढूंढूंगा। चलो जी, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। ओए, हमारे तो तोते उड़े हुए थे ये सोच कर कि ये बच्ची है तो है किसी। क्यों पुजारी जी? और नहीं तो क्या, हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि बच्ची के असली माता पिता उसे मिल जाए, और देखिए भगवान ने हमारी सुन ली। राधे राधे। कमाल हो गई पंडित जी। पंडित जी, मेरी भी एक प्रार्थना है, तो आप ही कर देना है। वो भगवान आपकी ज्यादा सुनते है ना, कर दोगे ना? राधे राधे। भाई साहब, हमें हमारी बच्ची दिला दीजिए भाई साहब। हाँ पंडित जी, प्लीज हमें हमारी बच्ची दिला दीजिए। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती पंडित जी। हाँ जी, बात ही कोई नहीं, चलो चलते और शर्मा जी के कार चलते। आओ पंडित जी। क्या हो गया चड्डा साहब? वो गोपाल बाबू अब आगे, बहुत ही अच्छा हुआ, हम तो आपके घर से भी जा रहे थे। ये दोनों जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो मंदिर में हमें बच्ची मिली थी ना, हाँ, वो इनकी। अरे रे 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 रे, वो बच्ची आप लोगों की है? अरे पर एक बात बताइए, आपकी बच्ची यहाँ पर पहुंची कैसे? दरअसल बात यह है कि हम मेले में गए थे, वहीं हमारी बच्ची गुम हो गई, और हमें जैसे ही पता चला मंदिर में ही बच्ची पाई गई है, तो हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ पे आ गए। नहीं नहीं बहन जी, आप रोइए मत। देखिए आपकी बच्ची जो है बिल्कुल सही सलामत है, मेरे घर पर है। पर जरा इधर आना। क्या हुआ बाल गोपाल? गोपाल, इन लोगों ने कहा कि बच्ची इनकी है तो तुमने मान लिया? लेकिन बाल गोपाल, इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है? गोपाल, तुम बहुत भोले हो और संसार बहुत चतुर। देखो, अगर वो बच्ची इनकी है तो इनके पास कोई तो साक्ष्य होगा ना, जिससे ये साबित कर पाए कि वो बच्ची इनकी ही है। लेकिन बाल गोपाल। गोपाल, वो बच्ची अपने असली माता पिता के पास ही पहुंचनी चाहिए, इसीलिए पहले सोच लो, विचार लो, पूरी तसल्ली कर लो, उसके बाद ही उस बच्ची को किसी को सौंपो, क्योंकि फिलहाल वो बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक बोल रहा हूँ बाल गोपाल, तुम रुको मैं जरा बात करके आता हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। ओ, मैंने तो जाके ना कंबल और बिस्कुट दिए थे। हाँ, मैंने। भाई साहब देखिए, अगर आपको बच्ची चाहिए तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि जो बच्ची मेरे पास है वो आप ही की। वाह साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, हमें हमारी बेटी पाने के लिए सबूत देना होगा? सबूत तो आपको देना पड़ेगा,
कैसा भी सबूत हो, मसलन कोई तस्वीर हो सकती है। वैसे आपके पास कोई बच्ची की तस्वीर है क्या? अरे बताइए ना, आपके पास कोई तस्वीर है क्या बच्ची की? दिखाइए फोटो। हाँ है हमारे पास सबूत, ये देखिए हमारी बच्ची की फोटो। अब तो आपको यकीन हो गया ना ये हमारी बच्ची है, तो हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए। हाँ लेकिन ये जो तस्वीर है ये तो किसी 5 या 6 महीने के बच्ची की तस्वीर है, लेकिन जो बच्ची मेरे पास है वो तकरीबन 2 साल की है। वैसे भी ये तस्वीर उस बच्ची की नहीं है जो बच्ची मेरे पास है। क्यों, तोते उड़ गए? आप ऐसे कैसे कह सकते कि ये हमारी बच्ची का फोटो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, ये फोटो आपकी बच्ची का हो सकता है, मुझे उससे इनकार नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये फोटो उस बच्ची का नहीं है जो बच्ची मेरे पास है। इस बच्ची के बाएं गाल पे तिल है, लेकिन जो बच्ची मेरे पास है उसके बाएं गाल पे तिल नहीं है। मैं गोपाल बाबू पहले ही कह रहा था आपको कि दोनों फ्रॉड हैं। आपने ऐसा कब कहा चड्डा साहब? वो कहा था मैंने, वो मन में कहा था। चड्डा साहब एक काम करते हैं, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, पुलिस वाले इस बात का फैसला कर लेंगे कि वो बच्ची इनकी है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो गोपाल जी, इनको पकड़ते हैं, ले चलते हैं, और जो फैसला होगा वही होगा। वही वही वापस आओ। अरे वापस, अरे कहाँ चले गए? अरे भाग गए। राधे राधे। देखा गोपाल मैंने क्या कहा था? हाँ बाल गोपाल, आज तुमने एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। गोपाल जी बताइए, गोपाल जी हाँ जी, वो कैसा जमाना आ गया? गोपाल जी कल एक औरत आई थी मंदिर में, बहुत रो रही थी, शायद कुछ ढूंढ रही थी। अरे पंडित जी लेकिन आपने उस औरत से पूछा नहीं, कौन है वो, क्या ढूंढ रही है? हमने पूछने की कोशिश की गोपाल जी, हमने प्रश्न भी किया, लेकिन हमारे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए रोती हुई न जाने कहाँ चली गई। हाँ ठीक तो है ना? अरे गोपाल बाबू ये वही औरत है जो कल मंदिर में आई थी। ये गोपाल उसे जाने मत दो, पीछा करो उसका। अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। रवि इस बच्ची को देख के ना मुझे याद आता है वो वक्त जब मैं हिमा को तैयार करती थी, उसके लाड करती थी। दिल करता है बस इसके भी वैसे ही लाड करूं। जानता है एक टाइम था जब हमने सोचा था कि हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे, लेकिन फिर हिमा हो गई, तुम हो गए। लेकिन अब इसे देख के ऐसा लगता है जैसे भगवान ने वो बच्ची हमें भेज दी है जिसे हम अडॉप्ट करना चाहते थे। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं इसे अपने पास ही रख लूं, बिल्कुल दूर नहीं चाले। साधना यही है ना तुम्हारी बच्ची? अच्छा जी, अरे अरे शर्मा जी कौन है ये, क्या है? हाँ साधना यही है इस बच्ची की असली माँ। तो अब तक कहाँ थी? मैं मजबूर थी मेम साहब, क्या करती, एक तो गरीब, ऊपर से पहले से ही 3-3 लड़ गया, और ये चौथी, मेरा पति मुझे पहले ही छोड़ के चला गया, तो ऐसे में कैसे ध्यान रखती मैं इसका? हाँ तो फिर अब क्यों आई हो, अब क्या करोगी? जब से इसको छोड़ा है एक पल को भी चैन नहीं मिला है मुझे, एक पल के लिए भी दिल से इसकी याद नहीं गई। कुछ भी हो 9 महीने अपने कोख में पाला मैंने अपने बच्चे को। शर्मा जी ये क्या? देखो साधना मैं जानता हूँ ये 2 दिनों में तुम इस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हो, बहुत ज्यादा जुड़ गई हो, मैं जानता हूँ, पर तुम ही सोचो इस बच्ची को उसकी माँ से दूर करके तुम खुश रह पाओगी क्या? नहीं ना,
इससे अच्छा तो यह है कि इस बच्ची को दो माओ का प्यार मिले। ये भले ही अपनी माँ के साथ रहे लेकिन इसे पालोगी पोसोगी तो इसे पढ़ाओगी लिखाओगी और कल को जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम इसकी शादी भी करवाओगी और मैं करूंगा इसका कन्यादान। तो बताओ साधना, तुम इस बच्ची की यशोदा मैया बनने को तैयार हो ना? अरे भाई ऐसे नहीं, अपने स्टाइल में कमिटमेंट करके दिखाओ। मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इस बच्ची को जन्म जिंदगी पालूंगी और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना उसके बाद तो फिर तुम अपने आप की भी नहीं सुनती। पता है मुझे, पता है, पता है। शर्मा जी। चलो बाल गोपाल, सब अच्छा हो गया, बच्ची को उसकी माँ भी मिल गई और साधना के रूप में उसे यशोदा मैया भी मिल गई। क्या हुआ बाल गोपाल, तुम इतने उदास क्यों हो? गोपाल मैं ये सोच के उदास हूँ कि संसार कितना बदल गया है, क्या आज के लोग और उनकी सोच इतनी छोटी हो गई है कि वो पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं। सोचो अगर उस बच्ची को तुम अपने घर नहीं लाते तो उसको क्या हो सकता था, वो बच्ची इस संसार में ही ना रहती। अगर इसी तरह बेटियां कम होती रही तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हाँ बाल गोपाल, ये तुमने ठीक कहा, अगर इस दुनिया को बचाना है तो हमें हमारी बेटियों को बचाना होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं बाल गोपाल, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। ये हुई ना बात।